क्या आपको पता है इंडिया के एक ऐसे मिस्टीरियस टेंपल के बारे में जिसमें अगर मरे हुए व्यक्ति को ले जाया जाए तो वो जिंदा हो जाता था। तो ये डे 16 ऑफ 50 डेज 50 स्टोरीज आज की स्टोरी होने वाली है हमारी उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड लाखा मंडल टेंपल की। अब इस मंदिर का मेंशन महाभारत के टाइम पर मिलता है जिसमें पांडवों ने करीब करीब 1.25 लाख शिवलिंग बनवाई थी और आज भी इस मंदिर में खुदाई करने पर अलग अलग रंग और शेप की शिवलिंग मिलती रहती है। बट इस मंदिर को जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो है इसके पीछे की स्टोरीज। अब वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि इस मंदिर में पहले मरे हुए व्यक्तियों को लाया जाता था और वहाँ का पुजारी इन मरे हुए व्यक्तियों पर मंदिर का पवित्र जल छिड़क देता था। उस वजह से क्या होता था कि जो व्यक्ति है मरा हुआ वो थोड़े टाइम के लिए जिंदा हो जाता था और भगवान का ध्यान कर लेता था, शिव जी का नाम ले लेता था। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मरते वक्त अगर किसी आदमी के मुंह पर भगवान का नाम हो तो वो स्वर्ग में जाता था। तो उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए इस मंदिर में ये पूरी प्रोसेस की जाती थी।